नोएडा के जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। गुरुवार को इस एयरपोर्ट का नाम, लोगो और डिजाइन फाइनल हुआ। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। वहीं इसके लोगो में उड़ते हुए सरस पक्षी के डिजाइन को एयरपोर्ट की पहचान बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इस एयरपोर्ट का नाम, लोगो व डिजाइन को मंजूरी देते हुए कहा कि यह दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक होगा। इस एयरपोर्ट को ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के नाम को लेकर लोग कई तरह के कयास लगा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि इसका नाम जेवर एयरपोर्ट होगा, तो कुछ मान रहे थे कि दिल्ली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम दिया जाएगा। हालांकि बाद में इसका नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रखा गया। वहीं इसके लोगों के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सरस को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया गया, जो उड़ते हुए प्लेन के तौर पर दिखता है। साथ ही प्रतीक है इस बात का कि दुनिया डिजिटली कनेक्ट हो रही है। एयरपोर्ट की बात करें तो चार चरणों में बनने वाले इस हवाई अड्डे की शुरुआत क्षमता 1.2 करोड़ यात्री प्रति वर्ष होगी, जिसके अलग अलग चरण में बढ़ाते हुए 2050 तक 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष तक जा सकती है। हवाई अड्डे में शुरुआत में 2 रनवे होंगे, जिसे बढ़ाकर 5 रनवे तक किया जाएगा। हवाई अड्डे का डिजाइन लंदन, मॉस्को और मिलान के विश्व प्रसिद्ध एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसे दिल्ली मेट्रो और हाई स्पीड रेल लाइन से भी कनेक्ट किया जाएगा। इस मौके पर यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट के लिए ग्लोबल टेंडर के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसेंजर प्रीमियम की बोली यानी 400.97 रुपए लगाने वाली कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को इसे बनाने का ठेका दिया जा चुका है। साल 2023 में इस एयरपोर्ट की शुरुआत की जाएगी, जिससे दिल्ली और यूपी के कई शहरों को सुविधा होगी। दिल्ली तक ब्यूरो।